हेलो एवरीवन, उस दिन के बाद का अपडेट ये है कि डॉक्टर ने चेक किया था एंड शी सेड कि हाँ ठीक है, ये अर्ली लेबर वैसा कुछ है और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इनको बोलते हैं। तो उन्होंने एक मेडिसिन मुझे स्टार्ट करवा दी है 3 times a day। तो जब से उसको मैं ले रही हूँ पिछले 3-4 दिन से, तो अभी उतनी ज़्यादा वो फ्रीक्वेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्शंस जैसी पहले थी मुझे, जैसे दिन में कम से कम 20-25 बार हो रही थी, लाइक बार बार हो रही थी हर 15-20 मिनट के बाद, वो अब नहीं है। अभी थोड़ी सी कंट्रोल में है, हार्डली 3 से 4 बार मुझे एक दिन में आ रही है। रेस्ट सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी उसके लिए अभी भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। दे सेड कि 9th month में ही पता चलेगा, तो फिंगर्स क्रॉस। चलो एटलीस्ट नाउ आई हैव टाइम, तो अभी मैं आराम से, जो मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं अपने बर्थडे पे ही प्लान कर रही हूँ मैटरनिटी शूट का, बिकॉज अमायरा के टाइम पे मैंने बर्थडे पे ही किया था। तो लेट्स सी, अभी कुछ दिन रह गए हैं प्रिपरेशन के लिए, पर थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा है कि उस टाइम पे डेकोरेशन करवाऊँ या बेबी होने के बाद जब पूजा होगी उस टाइम पे डेकोरेशन कराऊँ। आई डोंट नो, बट स्टिल अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी जितना भी पेंडिंग काम है मैं उसको रैप अप कर रही हूँ। गिव अवे वाले जो वीडियोस हैं वो शूट करके एडिट कर दिए हैं, अब प्रेगनेंसी वाले कुछ वीडियोस रह गए हैं जो मुझे करने हैं। देन कुछ रिव्यूज़ हैं जो ऑब्वियसली भी प्रोडक्ट्स जो लगे हुए हैं जिनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, तो वो अभी मुझे शूट करने हैं, उनके टेक्सचर शॉट्स, डेमोज एंड शूट करके उनको भी एडिट कर दूँगी। एंड देन आई एम सॉर्टेड, देन मैं आराम से फिर अपना 1 month एटलीस्ट अपना मैं आराम से निकाल सकती हूँ। सिया तो अभी है 28th ऑफ क्या है, अगस्त है। अभी मेरे को ना पेन आ रही है, कंटिन्यू पेन हो रही है, तो बैग पैक कर लिया है, पर अभी देखो अगर ये कंटिन्यू रही तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखा जाते हैं जाके। I don't know what is it, but continue हो रहा है। I don't want to rush. Good morning everyone. So, little update, रात को क्या हो रहा था। रात को मुझे ना जो डाउन वाली पेन होती है ना वो शुरू हो गई थी। आई डोंट नो, लेबर वाली पेन तो वो नहीं थी, क्योंकि लेबर में ऐसे होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है। ये इंटेंसीफाई नहीं हो रही थी, बट कंटिन्यू जैसे जैसे लगता ना कि हाँ पीरियड्स आने वाले हैं, उससे पहले वाली जो पेन होती है वो पेन ये हो रही थी। तो आई डोंट नो किस रीज़न की वजह से शुरू हुई है। शाम को आफ्टरनून के नैप के बाद जब मैं 4:30-5:30 उठी हूँ वॉशरूम, उस टाइम पे मुझे हल्का सा शुरू हुआ था ये पेन, और उसके बाद होता ही रहा ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद तो कंटिन्यू हो गया था। सो देन काफ़ी देर के बाद मेरे को हुआ, मैंने कहा मुझे ना गर्म पानी की बॉटल दो तो शायद उससे मुझे कुछ राहत मिले। तो फिर जब गर्म पानी की बॉटल बैक पे रखी तो फिर वो थोड़ा मुझे बेटर फील हुआ उस टाइम के बाद, तो फिर मैं सो पाई। तो अभी तो आई एम परफेक्टली फाइन, बट आई डोंट नो वो क्या था क्यों था, बट स्टिल हम इतने ज़्यादा डर गए थे कि हमने फटाफट से हॉस्पिटल बैग भी पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे ये था यार फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों का मुझे ही पता है क्या लेके जानी है और क्या नहीं लेके जानी है। तो हमने फटाफट से सारा सामान भर दिया उसमें मोटा मोटा, और ऑलमोस्ट रेडी कर दिया हमने नर्सिंग पिलो भी, और जो बेडिंग वगैरह है वो भी सारी हमने कवर्स वगैरह लगा के सारी सेट कर दी थी। तो अभी हमें ये है कि एटलीस्ट 8 months कंप्लीट हो जाएं, बिकॉज वी डोंट वांट कि यू नो बीच में ही ये हो जाए। 8th month में नहीं होना चाहिए, 9th month शुरू होते ही हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, बट अभी नहीं, बिकॉज एक में और टेंशन मेरे दिमाग में घूम रही थी
कि अभी यार शूट नहीं हुआ, फोटो शूट नहीं हुआ हुआ, और ये मुझे बोल रहे थे, कहते तुम्हें फ़ोटो शूट की पड़ी है अभी, अपनी उस पर ध्यान दो तुम। मैं क्या, मुझे स्ट्रेस तो नहीं है, बट हाँ एक होता है ना कि हाँ एक काम रह गया है, तो वही एक मेजर काम है जो रह गया है। ऑल्सो लिटिल अपडेट, आँख के ना मेरे यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गई थी, अभी तो थोड़ी सी कम हो भी गई है, बट समझ ही नहीं आया, पेन नहीं है, इट्स नॉट आई इन्फेक्शन, बट पता नहीं किस चीज़ की लग गई है मुझे या क्या है, उसके बाद से ये रेड हो गई थी, और एक पिंपल यहाँ निकल गया है। तो मैंने अभी एक वो मैंने ना राउंड लैब के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे पर्पल से, तो उसके साथ एक ये ब्रांड के मुझे पिंपल पैचेस आए थे, वो मैं टेस्ट कर रही थी, बट इन लगते ही नहीं है ये ढंग से, आई डोंट नो, लाइक व्हेन इट कम्स टू माय फेस, मेरे को सिर्फ और सिर्फ डर्माकों के पिंपल पैचेस सूट करते हैं, लग भी जाते हैं, और इसको तो बार बार, तब से ना मैं ऐसे ऐसी दवाई जा रही हूँ कि टिके टिका रहे, वरना ये ना निकल ही जा रहा है बार बार। सो आई डोंट नो, अभी देखती हूँ कितनी देर लगा सकती हूँ इसको, फिर निकाल के देखूँगी गंक निकालता है बाहर या नहीं। सो अभी के लिए तो यही अपडेट है, अमायरा स्कूल जा चुकी है, और मैं बस अब एडिट करूँगी वीडियोज़, बिकॉज़ काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने एडवांस में शूट कर लिए हैं, जो मैं एडिट करूँगी, अभी और हैं जो मुझे शूट करने हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं, तीन चार वीडियोज़ जो बची हुई हैं, बाकी प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं जो भी मैं अभी इस टाइम पे जो मैं यूज़ कर रही थी प्रोडक्ट सारे, वो उनके रिव्यूज़ मैं अभी करके उनको एडिट करके रख दूँगी, एंड देन उसके बाद मुझे पता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला है, तो या अभी के लिए यही अपडेट है, अभी बस एडिट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे नहीं लेना है, स्ट्रेस मुझे अवॉइड करनी है, एंड या गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो टुडे इज़ 6th of September, एंड फाइनली अभी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है शूट की, आउटफिट्स रेडी हो चुके हैं, जो जो जिस जिसके नहीं थे उनके मंगवा लिए हैं, वो पहुंच गए हैं, और डेकोरेशन का सामान भी पहुंच गया है। पहले मुझे ये था कि किसी को बुला के डेकोरेशन करवा लूँ, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मुझे मिल रहा था, एंड दे वर वेरी कॉस्टली, तो आई थॉट कि चलो ठीक है खुद ही कर लेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे फिर भी वहीं पे खड़े रह के उनसे करवाना पड़ेगा, बिकॉज जो मुझे चीज़ चाहिए होती है ना, वो मुझे ही पता होता है कैसे करनी है, सो फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, तो मुझे फिर खड़ा होना ही पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि मैं खुद ही कर लूँ। सो मैं ड्राइवर भैया के साथ करूँगी, आज 6th है ना, तो हम 8th को सोच रही मैं कि ना, अभी हमने डिसाइड किया है कि इधर वाली साइड पे, इस तरफ सोच रही हूँ मैं कि इधर वाली वॉल क्लीन है, तो यहाँ पे बनाएंगे, और ये रिंग मैंने लिया है अमेजोन से, पिछली सामान मैंने अमेजोन से ही पिक किया है। यहाँ पे इस बार वी आर डूइंग ग्रीन थीम, तो ग्रीन बलून्स आ चुके हैं, एक मैंने ये स्टैंड भी मंगाया है बलून वाला, एक ये रिंग है ये वाला, इसको डेकोरेट करेंगे। सो बेबी शावर के लिए ग्रीन थीम रखा हुआ है, और बर्थडे के लिए वाइट थीम है, वाइट एंड रेड, तो थोड़ा सा डेकोरेशन बीच में चेंज होगा, पर वो पहले ही करके रखेंगे हम, बस फिर वो रिमूव ही करके हमने बैकग्राउंड पे चेंज करना है। इट्स गोना बी अ हैक्टिक डे, बिकॉज मॉर्निंग में मैंने 9:30 के आसपास फोटोग्राफर को बुलाया, बिकॉज फोटोग्राफ्स का ऐसा है कि फिर मैं खुद से नहीं क्लिक कर पाऊंगी, एंड अमायरा के टाइम पे भी हमने एक को बुलाया था 9:30 के आसपास, वो आ जाएगा 9th को, तब तक हमें रेडी रहना है, बिकॉज़ फर्स्ट आउटफिट जो है वही मेन है, क्योंकि साड़ी पहननी है मुझे, और सबको भी तैयार करना है, खुद भी तैयार होना, तो दैट्स गोना बी हेक्टिक। दूसरे आउटफिट के टाइम पे इतना हेक्टिक नहीं होगा, बिकॉज़ वो क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनने हैं, तो बस फटाफट पहन के तैयार हो जाएंगे। एंड माई करंट सिचुएशन इज अनबियरेबल, बिकॉज वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और प्रेशर पड़ रहा है मुझे नीचे, बट जस्ट देखो अभी 20-25 दिन और बचे हुए हैं। लास्ट विजिट जब गए थे हम 2 दिन पहले डॉक्टर के पास, तो शी सेड कि सेप्टेम्बर एंड तक कर लेंगे, अभी एक बार 18th को 9th कम्प्लीट हो जाएंगे ना, सॉरी सो अभी 18th को 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 9th स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर फिर एक अल्ट्रासाउंड करके फिर हमें पता चलेगा कि हमें कब की डेट वो देंगी, तो लेट्स सी कैसे होता है। पर अभी बस सबसे बड़ी जो टेंशन मेरे को थी शूट की थी,
वो अब फाइनली होने वाला है, इट्स हैपनिंग। तो अब मैं मिलती हूँ आपको शूट वाले दिन। सो फाइनली डेकोरेशन हैज़ स्टार्टेड, थोड़ी बहुत कर ली है हमने और अब यहाँ पे अरेंज करेंगे सारे बलून्स। हमें तो ये देखना फ्रेम तो इतनी बनी हुई ना जितनी ये है, फ्रेम तो इतनी आई, हम तो फ्रेम बना रहे हैं ना, तो मतलब इतने में तो खड़ा हो ही पाएगा आदमी। यहाँ से दोबारे आएंगे है ना, ये तो उतर भी जाएगी इसको, हाँ इसको तो निकाल सकते हैं, तो जैसे स्क्रीन पे देखो ना उधर, तो ये इतना सही इधर आ रहा है, ठीक है ये आ गया अपना कमिंग सून, इधर मान लो मैं खड़ी हो गई, इधर ये खड़े हो गए, इतना कहीं स्पेस आएगा, ये जो स्पेस आपको दिख रही है ना, ये इधर आएगा गुब्बारों होगा, ऐसे को ऐसे गोला, ठीक है तो यहाँ से रखना शुरू करो और ऐसे को ले आओ मेरे सिर के ऊपर से, या मैं निशान लगाऊंगी, हाँ एक बार देख लेते हैं ना कैसे आ रहा है। नहीं आ रहा, देखो एक बार लगाओ लगाओ एक मिनट, तो उसमें तो अच्छे दिख रहे थे, नहीं हमने एक्चुअली वाइट ज्यादा लगा दिया ना, पिक्चर में कलर उसका तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है थोड़ा सा एंगल नीचे भी तो करेगा, वो इतना अच्छा थोड़ी करेगा, यहाँ यहाँ लगा देते हैं एक एक जो खाली लग रहा है ना यहाँ पर, कौन सी लगा। गुड मॉर्निंग एवरी वन, सो रात को वी हैव फाइनलाइज द डेकोरेशन बट आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि जब वो बलून्स लाइक छोटे थे तो अच्छा वाला ग्रीन कलर दिख रहा था, बट अभी ये बड़ा अजीब सा ग्रीन हो गया है जो बिल्कुल भी ना तो मेरे केक से मैच हो रहा है ना ही हमारे आउटफिट से मैच हो रहा है, सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं ना किसी को बुला के जिसले फ्लावर डेकोरेशंस करवाएं सेम स्पेस पे ही, रेड एंड वाइट वाला थीम तो अच्छा लग रहा है बट ये ग्रीन वाला थीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सो ये भैया को बोला है कि पता करो कहीं से अगर वाइट एंड ग्रीन फ्लावर्स ओरिजिनल फ्लावर्स अगर कहीं से मिलते हैं या कोई है ऐसा जो आके कर जाए, बिकॉज कल जब ये किया है उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, रात को कम से कम आई थिंक 2:30-3 बजे तक मेरे को कॉन्ट्रैक्शंस आती रही हैं, सो मैं आज ज़्यादा वार्निंग करने वाली हूँ, सो अभी होपफुली कोई मिल जाए जो आके कर जाए, अदरवाइज़ मैंने उनको ही बोला है कि आप फिर एक काम करना, बस एक ऐसी लंबी वाली माला और उसके नीचे को वाइट एंड ग्रीन का बेसिक सा कर देना, एटलीस्ट इससे तो बेटर ही लगेगा जो ये लग रहा है। अभी 7 बज गए हैं, 6:30 में उठ गई थी बिकॉज मेरे को था कि फटाफट कर लें बिकॉज आज वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, होपफुली धूप ना निकले और बारिश ना हो, मौसम अभी ठंडा ही है, सो होपिंग फॉर द बेस्ट, सो फटाफट रेडी हो जाते हैं नहा धो के एंड देन फर्स्ट शूट कर लेते हैं जाके नीचे पार्क में बिकॉज अभी वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सो फाइनली फ्लावर्स भी मिल गए हैं और ग्रीन कलर की ये भी मिल गई है, देखो कंप्लीट हो जाएगा क्या। भैया गाना गाओ लगाना, अबे कैसा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बब्बू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मामा, थैंक यू। इसमें क्या गाओगे भाई,
पेट फिट इनको और रखना है, सभी आ सकते हैं, सब सबकी आस्ती है बस। सो यार गाइज, इट वॉज डन, वी हैव डन विद द फोटोशूट, बाहर भी और अंदर भी, वाइट आउटफिट एंड ट्रेडिशनल वाला भी डन हो गया। यू सी ये वाला डेकोरेशन हमने किया था फ्लावर्स वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब सो चुके हैं बट मैं काम करने लगी हुई हूँ। वैसे तो हालत ख़राब हो गई थी, इतना नीचे भी शूट हुआ, फिर यहाँ पे इतनी देर हैक्टिक प्रोसेस था, सो आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड। बट अभी मैं लेट ही हुई थी, पार्सल आया उसको लेने में आई थी, तो मुझे याद आया कि आई वॉज डूइंग द ब्लॉग, तो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सो या इट्स फाइनली डन, नाउ आई एम टेंशन फ्री, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ये रह गया वो रह गया, सब कुछ हो चुका है। अब चाहे बीबी कल ही आ जाए, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो या बस अब जो काम बचा हुआ है, कुछ वीडियोज़ हैं जो मुझे रैप अप करनी है, वो कर लेते हैं। या ये सारा ताम झाम है, इसको सारे को समेटेंगे धीरे धीरे। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि आंखें ना वैसे चौंधिया गई हैं।